नमस्कार भाइयों, तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे भाई, बढ़िया होंगे भाई। आज का मेरा वीडियो है इन जाट की पैदाइशों के लिए। तो भाइयों, आपको इनकी शक्ल दिख रही होगी, ये दोनों गाढ़ी साड़ी रंडी की झाड़ी। तो भाइयों, ये किसके साथ साड़ है? मुझे समझ में नहीं आता यार, इसका पति ये बड़े मुस्लिम बनते हैं, और ये एक बार कह रही थी कि मैं ढकोड़ के रहती हूँ। देख, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ के जो मुस्लिम है ना, इंडिया के, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, तुझे अभी पता भी नहीं है, ठीक है ना? ढक ओढ़ना तो उनसे सीख, ठीक है? मेरे एरिया में भाइयों, मैं मानसरोवर में रहता हूँ, मेरे एरिया में मुस्लिम्स हैं ना जितने भी, तो वो इतने अच्छे तरीके से, चाहे वो गरीब भी हो ना, वो भी इतने अच्छे तरीके से रहते हैं कि उनकी औरतें किसी से बात नहीं करती हैं, ऐसे नहीं करती हैं, ठीक है ना? और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं वो, बहुत प्यार, बहुत नरमता और बहुत सम्मान के साथ रहते हैं। हम भी उनका सम्मान करते हैं, हमारा भी पहनावा है, ठीक है ना? हमारी औरतें, हमारे यहाँ की लड़कियाँ, हमारे यहाँ की ये भी जब शादी हो जाती है ना, तो हम किसी से इतना बातचीत इतना हम रहते नहीं हैं। वो अपनी वो हस्बैंड के साथ रहती हैं। हाँ, अगर हस्बैंड के दोस्त की वाइफ है, उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है ना? लेकिन इस तरीके से नहीं रहते। तो भाई, इन दोनों को देख लो, ये दोनों, ये और ये कहती है ये मुसलमान है, ये मुसलमानों का धर्म अपना रही है। आप मुझे बताओ, आप हिंदुस्तानी जो मुस्लिम्स हैं वो मुझे बताओ, ये अपना धर्म अपना रही है? इसके धर्म में ये लिख रहा है कि पराए मर्दों के साथ बात करना है इसके? और भाइयों, क्या पता ये बात ही करती हो या फिर रात को और कुछ भी करती हो, इसके पति को भी नहीं पता चलती। एक बार इसका पति आया था, लेकिन उसने शक्ल नहीं दिखाई जब ये कहीं पे घूमने गए थे, मरी में, पता नहीं कहाँ पे, मरी में गए थे शायद। तो जब इसमें वो कर रहे थे वोटिंग कुछ कर रहे थे, तो भाई उसके पति ने शक्ल भी नहीं दिखाई। तो भाइयों, आप मुझे बताओ, और मैं इसके पति से ही पूछना चाहता हूँ कि तू कैसा आदमी है कि इस तूने अपनी औरत खुली नंगी छोड़ रखी है और ये सांड उसके साथ चढ़ा बैठा है? तो आदमी कैसा है ये क्या तेरी इंसानियत? ये तू बच्चों को क्या दे के जा रहा है कि मेरी माँ किसी और के संग है ताकि वो भी ऐसा ही करें बड़े होके? तो भाइयों, इसको मतलब और इनका काम क्या है? बैठना, इंडिया को गाली देना कि ये वो है, अच्छा ये वो है। और इसके बात है कि ये कहती है 50% आबादी चूहे खा के गुजारा करती है। मैं कहना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पे 50% 45 से 50% लोग ऐसे हैं जो कि मीट तक नहीं खाते हैं, यहाँ पे मीट तक नहीं खाते हैं, कोई मांस वांस कुछ खाते नहीं हैं। वो हिंदू भी हैं, वो मुस्लिम भी हैं, वो सिख भी हैं, वो ईसाई भी हैं, वो बौद्ध भी हैं, वो जैन भी हैं, है ना? तो 50% ऐसे लोग हैं। दूसरा, और जितने भी मीट खाने वाले लोग हैं जो भी खाते हैं, तो भाइयों उनमें से चूहा कौन खाता है ये मुझे बता दो आप। ये तूने इंडिया में ऐसा कौन सा, तू मुझे सबूत दे। देख, वो ही बात हो जाती है, कुत्तों की तरह भौंकना है, तो वो ही पाकिस्तानी के वो आसिफ गफूर है ना, वो डीजे ये थी यार, और ये इनका इमरान खान, वो टंडू बैठा रखे हैं दोनों, बस कुत्तों की तरह भौंकना है, अब तुम भौंकते रहो। और ये कहती है कि भारत का जो मिसाइल्स हैं वो गिर जाती हैं और प्लेन गिर जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है तूने कहाँ पे देख लिया। देख, अगर तू उनकी बात कर रही, जो पुराने प्लेन है वो तो खैर हमारी गवर्नमेंट का थोड़ा सा चीज़ ऐसी है कि हमारी गवर्नमेंट ने 60 के दशक के प्लेन रख रखे हैं, तो वो हैं, ठीक है ना? बात रही मिसाइल्स की, तो कौन सी मिसाइल गिर रही है, कौन सी प्लेन, कौन सा क्या गिर रहा है? देख वही, देख कुत्तों की तरह भौंकना हो तो मैंने शायद पहले इसको उदाहरण दिया था, मैं भौंक लूँ कि इमरान खान ने तो अपनी टट्टी खाई बाथरूम में घुस के, बहुत मैं बोल लूँ। और बात देखो ये नहीं है, तू रियल बात कर, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ तू बात मत करे, तू बात कर, तू एक रंडी है मुझे पता है, और तेरा काम है बात करना इंडिया के खिलाफ, तू कर, तू अपना रंडीपना दिखा, क्योंकि हमें भी बहुत मज़ा आता है ना? हम तेरे को खड़े खड़े कर देते हैं तेरा काम, तेरे को हम देख के ही आराम से, यहाँ के लड़के अभी तुझे पता नहीं है, देख के ही बहुत कुछ अपना फैला देते हैं, ठीक है ना? इस पर हम बहुत निकल जाता है देख के ही तेरे को। अगर तू बस तू आसपास मत आ जाना, पाकिस्तान में तो चला जा, ये नेपाल नेपाल भूटान भूटान मत आ जाना, बांग्लादेश, वरना तेरे को उठा लेंगे श्रीलंका से भी। तो और तू इंडिया आ गई, खैर इंडिया तो तेरे को जब जब तू प्लेन में से उतरेगी ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे, जब तू बाहर निकलेगी ना, वो जब ही तेरे 7-8 बच्चे तो तू गोदी में लेके आएगी, जो कहेगी कि मैं तो प्लेन से बाहर निकलती, मेरे पता नहीं कहाँ से निकल गए। यहाँ के लड़के ऐसे हैं, दूर रहना यहाँ के लड़कों से भाई साजदा, दूर रहना यहाँ के लड़कों से, अभी तू जानती नहीं है हमारे यहाँ के लड़कों, खास करके हिंदुओं को, तू भी जानती नहीं है हिंदुओं को, हिंदुओं की पावर को। बेटा एक बात याद रखना, बच्चे हमारे हालांकि एक दो ही होते हैं, लेकिन सारी पावर है ना हमने तेरे लिए छोड़ रखी है। जब तू आएगी ना, जब हम तेरे से पूरा देश बना देंगे, चिंता मत कर, समझ
साजिदा। तो भाइयों बात ऐसी है कि ये दोनों जो सांड है ना, ये कुत्तों की तरह भौंकना इनका काम है, और इनका यही काम है कि इनकी जो ऐब है, इनकी जो वो दिखाना, इस सांड का काम यही है, पागलों की तरह कुत्तों की तरह भौंकते जाना कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना ढिमका। और मैं सांड से कहना चाहता हूँ, तू जो कुत्तों की तरह भौंकता है, तेरा भौंकना खैर जायज़ भी है, क्योंकि तेरी हमने गांड फाड़ रखी है। और ये बात रख सांड, तेरी बेटी है, बेटी हमेशा अपने जो तू बोल रहा है, तो तेरी बेटी भी कभी ना कभी उठ सकती है, ये बात याद रखना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम।